जब क्वालिटी कंटेंट्स की बात आती है तो एंटरटेनमेंट में 1% की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके एंटरटेनमेंट की कमी को पूरा करने के लिए वेब सीरीज का खजाना लेके आया हूँ। बट शिकायत तो तब हो जाती है जब वीडियो देखने के बाद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसलिए मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ अल्ट बालाजी उल्लू और एमएक्स प्लेयर की टॉप ऐसी वेब सीरीज जिसमें कहानी का तो पता नहीं बट हाँ बोल्ड सीन्स की कमी नहीं है। और बोल्ड सीन्स की कमी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि इनके डायरेक्टर सस्ता नशा करके इन वेब सीरीज को बनाते हैं। तो आज की हमारी वेब सीरीज का लिस्ट पर नंबर 5 पर है नेक्ड। इस वेब सीरीज के 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 20 मिनट्स का, जो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। कहानी के शुरुआत में आपको नताशा नाम की एक लड़की देखने को मिलेगी जिसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कुछ दिनों पहले हो जाता है और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है सूरज नाम का एक पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें देखने को मिलता है कि नताशा ही असली कातिल है। सारा शक नताशा के ऊपर आता है। बट जब सूरज इन्वेस्टिगेशन के लिए नताशा के पास जाता है तो नताशा उसे अपने हुस्न का जादू दिखाती है और सूरज भी उस जादू में फंस जाता है। बट सूरज की एक फियोंसी भी होती है और जब उसके फियोंसी को पता चलेगा कि सूरज का किसी और के संग अफेयर चल रहा है तो आगे क्या होगा और इस केस का असली मर्डरर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। हमारे वेब सीरीज के लिस्ट में नंबर 4 पर है एएलटी बालाजी की गंदी फिल्म। और जैसा इस वेब सीरीज का नाम है वैसा ही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। गंदगी के अलावा आपको इस वेब सीरीज में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर बोल्ड सीन्स को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये एक शब्दहीन वेब सीरीज है। अगर आप अपना टाइम पास के लिए किसी बोल्ड वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस वेब सीरीज को आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे वेब सीरीज के लिस्ट में नंबर 3 पर है ट्रिपल एक्स। गंदी बात की तरह इस वेब सीरीज का जैसा नाम है, इस वेब सीरीज के अंदर भी वैसा ही दिखाया गया। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इस वेब सीरीज को भी कोई क्रिटिक्स, कोई रेटिंग या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वेब सीरीज के प्लेट में कहानी के नाम पर केवल हवस को परोसा गया है। तो अगर आप सिर्फ बोल्ड सीन्स देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वेब सीरीज को आप देख सकते हैं। हमारे वेब सीरीज के लिस्ट में नंबर 2 पर है इनोसेंट। ये वेब सीरीज उल्लू पर अवेलेबल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्लॉट है इस वेब सीरीज का। शादीशुदा कपल्स के बीच में किसी तीसरे शख्स का आ जाना, ऐसी चीजें कुछ टाइम तक ही चलती है बट इसके बाद तो चोरी पकड़ी ही जाती है। तो फिर आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। हमारे वेब सीरीज के लिस्ट में नंबर 1 पर है प्रभा की डायरी। इसके 2 ही एपिसोड है और दोनों ही एपिसोड इम्पैक्टफुल है। ये वेब सीरीज बहुत ही छोटी है बट इसकी कहानी बहुत ज्यादा स्वीट है। इस वेब सीरीज को खास तौर पर लड़कियों को देखना चाहिए। 2 कपल के बीच में इग्नोरेंस आ जाती है और उसके बाद आगे देखने को मिलता है किसी तीसरे शख्स का इन दोनों के बीच में आ जाना। बहुत ही छोटी वेब सीरीज है बट इस वेब सीरीज को आप लोग जरूर ट्राई करें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें या डिसलाइक करें बट अपना रिस्पांस जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।